देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके चलते पश्चिमी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोवा के द्वारका पहुंचे और लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की सभी 7 सीटों को बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। पश्चिमी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारका पहुंचे और लोगों से कमलजीत सहरावत के लिए वोट मांगे। तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने रोड शो निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना था कि लोग मोदी जी की गारंटी पर वोट करें और अब की बार 400 के पार बीजेपी सीटें लेकर आ रही है। कार्य में मैं था, हमारे लोगों का उत्साह देख के मुझे पूरे 100% 7 के 7 दिल्ली के सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं। गारंटी तो सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं, जो अंदर बाहर करते वो गारंटी नहीं दे सकते हैं, वो कब अंदर जाए वो पता न चले। सिर्फ गारंटी मोदी जी की गारंटी है जो देश में चलती है, जो दिल्ली में भी चलती है। इसीलिए दिल्ली के लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। दिल्ली के लोग मोदी जी को चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली के लोग मोदी जी की गारंटी ही सुनेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का ये भी कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और बेल पर बाहर हैं। आने वाले 2 जून को फिर से केजरीवाल जेल में होंगे। हमें तो पूरा विश्वास है अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। मैं तो गोवा से आया हूँ, अब तक के आज पांच स्टेज में चुनाव हो चुका है। अब तक तो हमने 350 पार का 350 पार तो हो चुका है। मुझे लगता है आगे आने वाले 2 चरण में तो 100% मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। इन लोगों को पता चल चुका है कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, इसलिए डर के मारे सिर्फ यानी झूठी बातें लोगों में पसरा रहे हैं। पश्चिमी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने अपने लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे। कमलजीत सहरावत का कहना था कि बीजेपी इस बार 400 के पार सीटें लेकर आ रही है और मोदी की जीत होगी, इस बार मोदी सरकार। जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो पिछले 10 साल में काम किए उसका विश्वास और अगले संकल्प पत्र से उम्मीद साफ नजर आ रही है। भारी समर्थन हमें मिल रहा है, लोग बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जनता का विश्वास देखकर हमारी 7 सीटें दिल्ली में और अधिक बहुमत से जीतेंगे, इस बात का हमें अंदाजा हो रहा है। फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरामैन हरीश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।